नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। वीमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने पर कंपनी की ओर से लिस्टिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन सिडकुल क्षेत्र के स्थित एक होटल में किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि के तौर पर जिलाधिकारी रविशंकर ने किया। इस दौरान उन्होंने कंपनी को बधाई देकर कहा कि वीमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्टाफ एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाना प्रशंसनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि उद्यमियों के साथ मधुर व्यवहार ही व्यवसाय को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम के दौरान कंपनी के डायरेक्टर संदीप श्रीवास्तव ने कहा कि यह बेहतरीन कार्यशैली का नतीजा है, जो आज यहाँ तक पहुँचने में वीमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उत्तराखंड की पहली कंपनी बन गई है। क्या कुछ करना है? ये हमारा आईपीओ लिस्टिंग सेरेमनी और हमारा जो 3-4 मिनट का प्रोग्राम चल रहा था पब्लिसिटी को लाने का, तो आज हमारा स्टॉक। और कंपनी आगे कितना जाएगी, क्या लगता है आपको, और कितना मार्केट में आईपीओ जारी करने के बाद कितना सर? हमने जब पब्लिसिटी लेके आए थे तो प्राइस था हमारा 39 रुपये, आज हमारा 46 समथिंग पे लिस्टिंग नहीं हुई। हम तुरंत आज एक दिन में 20% का हमारी शेयर में उछाल है। इसलिए हमारी कंपनी 35 PR से हमारी कंपनी का मार्केट करता है, आज हमारा 100 PR प्लस। सर, उत्तराखंड की पहली कंपनी भी है? उत्तराखंड की पहली कंपनी है एमएसएमई कंपनी, और उत्तराखंड के लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये आने वाली कंपनी है। मैं वाइस प्रेसिडेंट वीमार्क इंडिया लिमिटेड। आज कार्यक्रम आयोजित किया का कार्यक्रम हमारी कंपनी वीमार्क इंडिया का जो शेयर है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मई को सूचीबद्ध हुआ है। और वीमार्क इंडिया लिमिटेड उत्तराखंड की पहली एमएसएमई कंपनी है, इसको एक गौरव प्राप्त हुआ। तो हम सभी ने आज कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए, कंपनी की योजनाओं के बारे में बताया, और मुख्य अतिथि हमारे श्री रविशंकर जी डिस्ट्रीब्यूशन विभाग से, और मुंबई से हमारे पंचल कैपिटल रावत जी, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से राकेश खन्ना जी के, सभी ने अपने विचार निवेशकों के अतिथियों से और उद्योगपतियों से साझा किए और अपनी शुभकामनाएं दी।